एक्चुअली देखा जाए तो जस मानक गाने क्यों नहीं दे रहा है। बेसिकली आपको बताया तो जस मानक ने बोला था कि भाई उनका गाने बहुत सारे गाने 2024 में आएगा, जितना गाना किसी और ईयर रिलीज़ नहीं हुआ उतना सारा गाना आज इस 2024 में आएगा। बट देखा जाए तो 8 महीने में सिर्फ 2 गाने, ऐसा क्या रीज़न है बताने वाले हैं आपको। देखो भाई, लव एंड लाइज रिलीज़ हुआ था January 26 को एंड इस गाने को लेकर जस मानक ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे, जहाँ पे जस मानक बेसिकली इस गाने के जस्ट बाद बोल रहे थे कि भाई इसके जस्ट 1 महीने बाद एक और गाना आएगा। बट हुआ कुछ उल्टा, ये गाना नहीं चला, लव एंड लाइज नहीं चली एंड जस मानक को तुरंत बाद पोस्टपोन करना पड़ा अपना नेक्स्ट गाना, जिसके कारण जस मानक ने 3 महीने बाद अपना नया गाना रिलीज़ किया गैरेज, एंड गैरेज सॉन्ग भी नहीं चल पाई बेसिकली आपको पता है। बट गैरेज सॉन्ग के रिलीज़ होते ही 2 दिन बाद जस मानक फिर लिखते हैं कि भाई नेक्स्ट गाना वेरी सून। बट देखा जाए तो गैरेज सॉन्ग को तो 4 महीना हो चुका है, बट जस मानक ने बोला था गैरेज सॉन्ग के बाद जस्ट बहुत जल्द उनका गाना आएगा, बट नहीं आया। तो रीज़न एक ही है, पब्लिक रिएक्शन या फिर पब्लिक रिव्यू एंड पब्लिक की पसंद। आपको बता देते हैं, इन दोनों गाने को पब्लिक ने ज़्यादा प्यार नहीं दिया एंड जस मानक जानते हैं कि भाई ये दोनों गाने को प्यार नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं जस मानक का जो आने वाला गाना है उस पे अच्छा खासा काम कर रहा है जस मानक। जस मानक को पता है पब्लिक को कैसे गाना पसंद आएगा, बट जस मानक ने ये दोनों गाने जो बनाए थे उसको खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला फैंस की तरफ से एंड जस मानक यही बात को देखते हुए अपना जो अपकमिंग सॉन्ग है उस पर सुधार कर रहा है एंड लेट रिलीज़ करने का रीज़न यही है, जो पब्लिक है उसका टेस्ट बदलना है। एंड ये जो गाने थे पब्लिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, या जहाँ पे 5 मिलियन 7 मिलियन व्यूज हैं इस गानों पे। बट आपको बता देते हैं एंड इसी कारण है कि भाई जस मानक जो है पब्लिक का टेस्ट बदलने के लिए एंड अपने म्यूज़िक पे सुधार करने के लिए टाइम ले रहा है एंड अभी गाना रिलीज़ नहीं करेगा। मैक्सिमम मेरे को लगता है नवंबर दिसंबर के टाइम पे ही जस मानक का गाना आने वाला है। ये साल तो भूल जाओ, ये साल तो सपने देखने में ही चला जाएगा सबका।